नमस्कार दोस्तों, उड़ीसा से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। यहां एक यूट्यूबर की नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। युवक का कसूर इतना था कि वह नक्सलियों के खिलाफ वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता था। युवक अपने चैनल पर वीडियो बेबाकी से बनाता था और उसने अपने चैनल पर 19 वीडियो अपलोड की थी। मामला उड़ीसा के नवरंगपुर जिले का है। दो दिन पहले हुई इस हत्या की जाँच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। युवक हिंदू मरकाम ने नक्सलियों के खिलाफ 19 वीडियो अपलोड किए थे, इस वजह से वो नक्सलियों के निशाने पर था। इस हत्या के पीछे नक्सलियों का ही हाथ बताया जा रहा है। हिंदू मरकाम गरियाबंद के शोभा थाना क्षेत्र का भूतबेड़ा गांव में पिछले 10 सालों से अपने मामा के घर रह रहा था। हालांकि 2 महीने पहले वह अपने गृह ग्राम नवरंगपुर जिले के कुमली गांव चला गया था। वह 15 सितंबर को ही कुमली से भूतबेड़ा गांव आने के लिए निकला था, लेकिन दोपहर 12 बजे के आसपास सुनसान इलाके में उसका रास्ता रोककर कुछ लोगों ने उसकी कनपटी पर गोली मार दी। लोग उसे मृत समझकर उसका वीडियो बना रहे थे, लेकिन उसके करवट बदलने पर पता चला कि वो जिंदा है। इस पर रायघर पुलिस को खबर की गई। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन 1.5 घंटे के इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया। रायघर पुलिस ने मीडिया को बयान जारी करके कहा है कि हत्या नक्सलियों ने ही की है। युवक 4 पहिया वाहनों को किराए पर देता था, साथ ही वीडियो शूटिंग का भी काम करता था। अपने बेबाक बयानों के लिए वो जाना जाता था। उसने 2020 में भूतबेड़ा ग्राम में पंचायत के सरपंच का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उसमें हार मिली थी। 2 महीने पहले युवक का घर जला दिया गया था, जिसके बाद उसने साहस दिखाते हुए नक्सलियों के खिलाफ लगातार 19 वीडियो अपलोड किए थे। वो अपने वीडियो में नक्सलियों को गलत बताता था, उनकी करतूतों की पोल खोलता था। हिंदू मरकाम ने कुछ ग्राम पंचायत के सरपंचों को भी नक्सलियों से मिला हुआ बताया था। वीडियो में उसने नक्सली को जान से मारने के लिए ढूंढने की बात भी बताई थी। वो यह भी कहता था कि उसे अपनी मौत का डर नहीं है, बल्कि वो खुद नक्सलियों के ठिकाने ढूंढ रहा है ताकि उनका पता पुलिस को दे सके।